कालाष्टमी, जिसे काल भैरव जयंती के रूप में भी जाना जाता है, ये हिंदुओं के लिए एक शुभ त्योहार माना जाता है। इस दिन भगवान शिव के रुद्र अवतार काल भैरव की पूजा करते हैं और समृद्ध और शांतिपूर्ण जीवन के लिए उनका आशीर्वाद मांगते हैं। हर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन पर करें क्लिक। पंचांग के अनुसार प्रत्येक माह की अष्टमी तिथि को कालाष्टमी का व्रत किया जाता है। इस बार कालाष्टमी का व्रत 1 जुलाई को रखा जाएगा। ये तिथि भगवान काल भैरव को समर्पित होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान भैरव शिव जी के ही रुद्रावतार हैं। इन्हें काशी का कोतवाल भी कहा जाता है। भगवान भैरव के अष्ट स्वरूप हैं, जिसमें से गृहस्थ जीवन जीने वाले साधारण जन को बटुक भैरव की आराधना करनी चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो भी भगवान भैरव के भक्तों का अहित करता है, उसे तीनों लोक में कहीं भी शरण प्राप्त नहीं होती है। इनकी पूजा से नकारात्मक शक्तियों, भय और शत्रुओं से मुक्ति प्राप्त होती है। तो आइए जानते हैं कालाष्टमी व्रत शुभ मुहूर्त, महत्व और पूजा विधि। अष्टमी का आरंभ 1 जुलाई दोपहर 2:01 पर शुरू होगा, जिसका समापन 2 जुलाई दोपहर 3:28 पर होगा। व्रत 1 जुलाई को रखा जाएगा। अष्टमी तिथि के दिन प्रातः जल्दी उठकर स्नान आदि करके व्रत का संकल्प करें, फिर मंदिर की साफ सफाई करके भगवान के सामने दीपक प्रज्वलित करें। काल भैरव भगवान के साथ भगवान शिव की भी विधि विधान से पूजा करें। इसके बाद पूरे दिन व्रत करें और शाम को दोबारा पूजन करें। भगवान काल भैरव के समक्ष धूप दीप प्रज्वलित करें। इस दिन विधि विधान के साथ पूजन करें और जलेबी आदि अर्पित करें। पूजा घर में बैठकर भैरव चालीसा का पाठ करें। पाठ पूर्ण हो जाने के पश्चात आरती करें। कालाष्टमी पर भगवान काल भैरव की पूजा आराधना करने से शत्रु बाधा से मुक्ति प्राप्त होती है। इसी के साथ जातक को अनजान, भय, ग्रह दोष आदि से भी मुक्ति प्राप्त होती है। भगवान काल भैरव अपने भक्तों की हर संकट से रक्षा करते हैं। कालाष्टमी के दिन व्रत रखकर भगवान भैरव की पूजा से जीवन के संकट और समस्याएं दूर हो जाती हैं।